एमएएलपी चैप्टर नंबर टू, उसका सब टॉपिक है 8085 पिन डायग्राम। सो पिन डायग्राम हमको पता है कि देर आर 40 पिन्स। सो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इस वीडियो के 3 पार्ट्स बनाए हैं। तो इसके अंदर मैंने सेक्शन वाइज डिवीजन किया है, लाइक यहाँ पे हमारे पास एक टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन है, एड्रेस सेक्शन है, इंटरप्ट कंट्रोल सेक्शन है और सीरियल सेक्शन है। तो इन सब में ही पिन्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये सेक्शन के हिसाब से मैंने अलग अलग 3 वीडियोस बनाए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टाइमिंग एंड कंट्रोल के पिन्स। एज वी नो दैट वी हैव 40 पिन्स, सो आपको ये सीक्वेंस के हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। लाइक अगर आपका सीक्वेंस चेंज हो गया तो दैट डज नॉट वर्क। आपको सीक्वेंस के हिसाब से ही आपको लिखना पड़ेगा और सीक्वेंस के हिसाब से ही आपको याद करना पड़ेगा। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल्स के पिन मैंने अलग से लिखे हुए हैं। तो पिन नंबर्स एंड पिन नेम्स। तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज X1 एंड X2। सो X1 एंड X2 आर द क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड सो इनपुट सिग्नल्स के यहाँ से हमको क्लॉक जनरेट होता है। नाउ व्हाट इज अ क्लॉक सिग्नल? सी, फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क इट ऑलवेज नीड्स अ डिजिटल सिग्नल, क्लॉक सिग्नल, ठीक है? वो क्लॉक सिग्नल जनरेट करना ज़रूरी होता है। क्लॉक सिग्नल कैसा दिखता है? क्लॉक सिग्नल कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज़ द क्लॉक सिग्नल, ठीक है? सो ये क्लॉक सिग्नल जनरेट होता है उसके हिसाब से कंप्यूटर काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कंप्यूटर लेने जाते हो तो उसके अंदर ऐसा लिखा होता है कि 2.5 GHz, 3 GHz ऐसे। सो एक्चुअली दैट GHz इज नंबर ऑफ क्लॉक सिग्नल्स, मतलब एक सेकेंड के अंदर वो कितने सिग्नल जनरेट कर रहा है। लाइक अगर ये डायग्राम देखो तो इसके अंदर 1, 2, 3 क्लॉक सिग्नल जनरेट होते हैं। अगर आप 2.5 GHz मींस 2.5 गीगा सिग्नल्स इज प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। सो हाउ दैट क्रिस्टल वर्क्स एंड हाउ द क्लॉक सिग्नल इज जनरेटेड। सो एज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे बहुत ही छोटा होता है, लाइक इतना बड़ा नहीं होता है। सो इट इज़ माइक्रोस्कोपिक लेवल, देर इज़ अ क्रिस्टल। अभी इस क्रिस्टल की प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने आपके पास अगर लाइटर हो, सो लाइटर को उसके अंदर से एक चीज़ निकलती है जो स्पार्क क्रिएट करता है। तो आपने आपको जिनको पता हो उनको पता होगा कि वो जो लाइटर होता है उसमें कोई बैटरी नहीं होती है। लाइक आप 1000 times अगर आप उसको क्लिक करोगे तो 1000 times वो छोटे छोटे स्पार्क्स क्रिएट करेगा। सो देर इज़ नो बैटरी इन दैट। तो इट इज़ कन्वर्टिंग द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हाउ इट इज़ डूइंग दैट? तो एक्चुअली होता क्या है, उसके नीचे उसके अंदर एक क्रिस्टल होता है। वो क्रिस्टल की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि अगर आप इस क्रिस्टल को यहाँ से दोनों साइड से अगर दबाओ, ठीक है, तो वो क्रिस्टल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है? ये उसकी प्रॉपर्टी, उस क्रिस्टल की प्रॉपर्टी। अगर इस क्रिस्टल को आप दबाओ तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो सेम हैपेंस इन द लाइटर, जैसे ही आप उसको दबाते हो वो क्रिस्टल के ऊपर हैमरिंग होता है, टक्कर की आवाज़ आता है और उसकी वजह से क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। नाउ दिस क्रिस्टल वर्क्स वाइज वर्सा, ये चीज़ उल्टा भी काम करता है। लाइक अगर आप उसे इलेक्ट्रिसिटी दो, यहाँ पे मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से आप बैटरी दे रहे हो तो ऐसा समझो कि ये जॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ये दोनों जॉइंट है। सो जैसे ही आप इसके इलेक्ट्रिसिटी देते हो इट विल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो क्रिस्टल जो है छोटा हो जाएगा, ऐसे अंदर की तरफ छोटा हो जाएगा। जैसे ही छोटा होता है तो होता क्या है कि यहाँ से कनेक्शन छूट गया, यहाँ पे गैप आ गया, ठीक है? अब गैप आ गया तो दैट मीन्स क्रिस्टल विल गो बैक टू इन इट्स नॉर्मल पोजीशन। वो क्रिस्टल जैसा था उस नॉर्मल पोजीशन पे वापस जाएगा। वापस जाएगा तो क्या होगा कि वो ये दोनों लाइन से कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है? ये दोनों लाइन से कनेक्ट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। अब वापस उसे इलेक्ट्रिसिटी मिला तो क्या होगा, वापस जो है यहाँ पे गैप आ जाएगा। तो दैट मींस कनेक्शन चालू हो रहा है
कनेक्शन बंद हो रहा है, ऐसे सीक्वेंस में चलता रहेगा। तो कनेक्शन चालू होगा तो आपका कनेक्शन जो है चालू होगा तो आपको वन सिग्नल मिलेगा, मतलब वन मीन्स कनेक्शन चालू है। जब वो क्रिस्टल दूर हो जाता है तो आपका कनेक्शन छूट जाता है, दैट मीन्स जीरो। वापस क्रिस्टल अपने पोजीशन पे आता है, वापस क्रिस्टल बड़ा होता है थोड़ा सा तो कनेक्शन ओके हो जाता है, वापस आपको कनेक्शन पूरा होते तो फुल सिग्नल मिलता है। तो ऐसे ये ऑसिलेट करता है, ठीक है, ये बड़ा छोटा होता रहता है। तो वो जो आप ये बड़ा छोटा होने की वजह से ये ऐसा कुछ सिग्नल क्रिएट करेगा, 1 0 1 0 ऐसा सिग्नल क्रिएट करता है। सो दिस इज नोन एज क्लॉक सिग्नल। तो ऐसे क्लॉक सिग्नल जनरेट होता है। सो ये क्लॉक सिग्नल डिसाइड करता है कि आपका कंप्यूटर कितना फास्ट काम करेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला कि 12 गीगा, सॉरी 2.5 गीगाहर्ट्स, 3 गीगाहर्ट्स, दैट मीन्स वो क्या बताता है कि 2.5 गीगाहर्ट्स, 2.5 गीगाहर्ट्स टाइम्स ये ऑसिलेट हो रहा है, मतलब ये इतनी बार आगे पीछे हो रहा है। लाइक गीगा में, किलो में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो, ठीक है, 3 जीरो होते हैं लाइक किलो के बाद। मेगा, मेगा के अंदर और 2 जीरो होते हैं और फिर आएगा गीगा, तो गीगा के अंदर और 2 जीरो होते हैं। सो दैट मीन्स वो 1 सेकेंड के अंदर इतनी बार ऑसिलेट हो रहा है, 1 सेकेंड के अंदर वो इतनी बार ऑसिलेट हो रहा है, मतलब इतनी बार वो क्लॉक सिग्नल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो जितना क्लॉक सिग्नल आपका ज़्यादा होगा उतना कंप्यूटर आपका फास्ट होगा। सो ये जो X1 एंड X2 है उसके अंदर ये क्रिस्टल होता है और वो माइक्रो प्रोसेसर को वो क्लॉक सिग्नल जनरेट करके देता है, ठीक है। सो X1 एंड X2 पता चल गया, जनरेट क्लॉक सिग्नल। नेक्स्ट इज रीसेट आउट, ठीक है, रीसेट आउट पिन नंबर 3, दैट इज रीसेट आउट। अब रीसेट आउट क्या करता है? रीसेट आउट मीन्स के जब प्रोसेसर को है रीसेट करना हो, लाइक उसके सारे वेरिएबल, सारे पिन्स को क्लियर करने हो, उसके रजिस्टर्स क्लियर करने हो। हमको पता है कि यहाँ पे BCDHL रजिस्टर होते हैं, फ्लैग रजिस्टर होते हैं, टेम्पररी रजिस्टर होते हैं। अगर इन सबको एक बार ज़ीरो करना है, रीसेट मीन्स एवरीथिंग विल बी ज़ीरो, तो अगर आपको रीसेट करना है तो रीसेट आउट सिग्नल जाता है। तो रीसेट आउट इज़ अ आउटपुट सिग्नल। ये देखो यहाँ पे थर्ड नंबर का सिग्नल दिख रहा है, रीसेट आउट इज़ अ आउटपुट सिग्नल। एरो बाहर जा रहा है मतलब इट इज़ अ आउटपुट सिग्नल, एरो अंदर आ रहा है दैट मीन्स इनपुट सिग्नल। तो वो कहना ये चाहता है कि अगर प्रोसेसर रीसेट हो रहा है तो रीसेट आउट सिग्नल एक्टिव होगा, एक्टिव होगा मीन्स रीसेट आउट सिग्नल विल बी वन, ठीक है। नेक्स्ट इज रीसेट इन, 36th पिन रीसेट इन। वो क्या करता है कि अगर आपको प्रोसेसर को रीसेट करना है तो रीसेट इन सिग्नल आपको एक्टिव करना पड़ेगा। तो रीसेट इन इज अ इनपुट सिग्नल, मतलब आप इनपुट दोगे, अगर आप वन सिग्नल दोगे तो प्रोसेसर विल रीसेट, सो दैट इज अ इनपुट सिग्नल। नेक्स्ट इज HOLD एंड HLDA, 39 एंड 38 पिन। HOLD मतलब होल्ड, होल्ड का मतलब पता है कि थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाना, रुक जाना। और HLDA इज एन एक्नॉलेजमेंट, HLDA का मतलब है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक व्हाट्सएप का मैसेज भेजा तो वो मैसेज सेंड होने के बाद आपको ब्लू टिक आता है, सो दैट ब्लू टिक इज एक्नॉलेजमेंट फॉर यू दैट के सामने वाले बंदे ने रीड कर लिया, ठीक है। आपको एक्नॉलेजमेंट मिला, आपने मैसेज सेंड किया, जिसने मैसेज सेंड किया उसको एक्नॉलेजमेंट मिला कि मैसेज हैज़ रीच द डेस्टिनेशन। इन द सेम वे HOLD सिग्नल जो है दैट इज अ इनपुट सिग्नल, ठीक है। HOLD सिग्नल इज अ इनपुट सिग्नल। तो HOLD सिग्नल जब आएगा तो प्रोसेसर क्या है, होल्ड करेगा थोड़ी देर के लिए, होल्ड करेगा। एंड क्या है कि प्रोसेसर अपना काम कर रहा होता है तो जरूरी नहीं है कि तुरंत रुके। तो जिसने HOLD सिग्नल भेजा है उसे कैसे पता चलेगा कि भाई प्रोसेसर रुका है कि नहीं रुका है? तो जब रुकता है तो प्रोसेसर एक सिग्नल वापस भेजता है कि भाई HLDA सिग्नल उसको रिटर्न भेजता है। यहाँ पे देखो HLDA सिग्नल यहाँ पे इनपुट में दिया है बट एक्चुअली HLDA सिग्नल इज आउटपुट सिग्नल। तो आउटपुट सिग्नल है तो प्रोसेसर बाहर की तरफ
सिग्नल भेजता है कि भाई मुझे HOLD सिग्नल मिल चुका है एंड आई एम पॉज्ड फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम। और HOLD सिग्नल कब यूज़ होता है, यहाँ पे DMA लिखा है, DMA कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सो होता क्या है कि DMA मींस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मींस इफ़ अ इनपुट आउटपुट डिवाइस इज वॉन्ट टू सेव सम डेटा इन द मेमोरी, तो उसको प्रोसेसर के थ्रू जाना पड़ता है। तो अगर DMA का मतलब है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, उसे क्या होता है कि डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है मेमोरी में डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो इसमें प्रोसेसर बीच में नहीं आता है। सो एट दैट टाइम जो डेटा बस है, एड्रेस बस है, इन सबको फ्री करना पड़ता है। तो HOLD सिग्नल इज़ अ इनपुट सिग्नल, तो जैसे ही वो आता है तो प्रोसेसर क्या करेगा, सारे बसेस को फ्री कर देगा। फ्री करने के बाद वो HOLD ये सिग्नल भेजेगा, जिसने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भेजेगा कि भाई मैंने जो है सारे बसेस फ्री कर दिए, यू कैन डायरेक्टली राइट टू द मेमोरी। नेक्स्ट इज ALE। ALE मींस एड्रेस लैच एनेबल। ALE इज आउटपुट सिग्नल। अगर ALE ऑन है सो दैट मींस एड्रेस वाला पार्ट चालू होगा, और ALE ज़ीरो है तो डेटा वाला बस चालू होगा। सो ये जो ALE कैसे काम करता है उसका एक नेक्स्ट वीडियो है, दैट इज़ पार्ट टू, उसके अंदर डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया गया है, प्लीज़ लुक इनटू दैट वीडियो। नेक्स्ट पिन इज रेडी पिन। इनपुट सिग्नल मेक्स द माइक्रो प्रोसेसर टू वेट टिल मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस इज रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर, बिकॉज अदर डिवाइस इज नॉट फास्ट एज माइक्रो प्रोसेसर। समझ लो आपका रीड पिन एक्टिव है। रीड पिन एक्टिव है मीन्स प्रोसेसर इज रीडिंग फ्रॉम द मेमरी। एक्चुअली रेडी पिन इज अ इनपुट सिग्नल, यहाँ पे आपके आउटपुट सिग्नल में दिया हुआ है, एक्चुअली रेडी पिन इज अ इनपुट सिग्नल। तो मेमोरी में से रीड करने के पहले आपको मेमोरी से पूछना तो पड़ेगा ना कि मेमोरी आर यू रेडी टू ट्रांसफर द डेटा। हार्ड डिस्क इज स्लोअर देन माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर ने सिग्नल तो भेज दिया रेडी रीड करने का, लेकिन हार्ड डिस्क या फिर वो जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो उतने फास्ट नहीं है कि जैसे ही रीड सिग्नल भेजा तुरंत रीड हो गया, दैट इज़ नॉट पॉसिबल समटाइम्स। तो सामने वाले जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है या फिर मेमोरी है, उसको सामने से रिप्लाई करना पड़ता है कि ओके आई एम रेडी, नाउ यू कैन रीड फ्रॉम द मेमोरी। सो रेडी सिग्नल इज एन इनपुट सिग्नल विच कम्स फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी, विच टेल्स द माइक्रो प्रोसेसर दैट कि इट इज रेडी टू ट्रांसफर द डेटा। नाउ नेक्स्ट इज पिन नंबर 37। सो दैट इज क्लॉक आउट। क्लॉक आउट का मतलब क्या, अब देखो मैंने जैसे बोला कि कोई भी डिजिटल डिवाइस है उसको काम करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, डिजिटल डिवाइस, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड इज क्लॉक सिग्नल। सो आपका जो कंप्यूटर है प्रोसेसर को X1 X2 में से उसको मिल गया कि डिजिटल सिग्नल जो है क्लॉक सिग्नल मिल गया। नाउ उसकी जो पेरिफेरल चिप्स हैं, जो दूसरे चिप्स हैं, दूसरे प्रोसेसर्स हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो चिप्स हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर के मेन जो कोर प्रोसेसर है 8085 है उसके साथ जो कनेक्टेड है, उन वो भी तो डिजिटल थिंग्स हैं, वो भी तो चिप्स हैं, उन्हें भी तो क्लॉक सिग्नल चाहिए काम करने के लिए। तो उनके लिए जो क्लॉक सिग्नल जनरेट करते हैं ना, वो जनरेट करता है माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर उनको भेजता कौन से पिन में से है, 37th पिन। देखो इट इज़ एन आउटपुट सिग्नल। सो क्लॉक आउट दूसरे पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए जो क्लॉक सिग्नल जनरेट होता है वो माइक्रो प्रोसेसर देता है, एंड दैट इज क्लॉक आउट सिग्नल। नाउ नेक्स्ट इज पिन नंबर 29, 33, 31 एंड 32। दीज आर स्टेटस पिन S0, S1, रीड बार, राइट बार एंड इनपुट आउटपुट मेमोरी बार। अब ये इतने पिन्स मिलके इतने काम कर सकते हैं, लाइक अगर इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी बार। मेमोरी बार का मींस क्या होता है कि बार का मींस इनएक्टिव, और बार ऊपर नहीं है मींस एक्टिव। अगर इनपुट आउटपुट मेमोरी बार जो पिन है वो कौन सा नंबर का पिन है, देखो इनपुट आउटपुट मेमोरी बार, दैट इज 34th पिन। सो 34th पिन अगर एक्टिव है मींस 1 है, तो कौन सा सिलेक्ट होगा, इट विल बी इनपुट आउटपुट। अगर वो ऑफ है मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 दैट इज 0, अगर वो 0 है दैट मींस मेमोरी सिलेक्ट होगा। अगर इनपुट आउटपुट मेमोरी बार अगर 1 है तो इनपुट आउटपुट सिलेक्ट होगा, अगर वो 0 है तो मेमोरी सिलेक्ट होगा कंपलसरी, बार का मतलब वो होता है, ठीक है।
सो अगर इनपुट आउटपुट जीरो है, एस वन इज़ वन एंड एस जीरो इज़ वन, देन ऑपकोड फैच, मेमोरी में से ऑपकोड फैच होगा। अगर ये जीरो है तो मेमोरी रीड, देखो मैंने जैसे बोला था अगर जीरो है तो कौन सा सिलेक्ट होगा, मेमोरी सिलेक्ट होगा, अगर वन है तो इनपुट रीड एंड इनपुट राइट। सो दिस इज हैपनिंग। कंट्रोल सिग्नल रीड बार, रीड बार मीन्स ये एक्टिव कब होगा, जब वो जीरो होगा तब। तो रीड बार, राइट बार, रीड बार एंड राइट बार, बार मीन्स अगर वो जीरो होगा तब वो एक्टिव होगा। अभी आप सोचोगे यार इसको वन करने में क्या पॉसिबल, क्या प्रॉब्लम था, लाइक रीड इज इक्वल टू वन लिखा होता तो कन्फ्यूजन नहीं होता, रीड बार इज इक्वल टू जीरो लिखा है तब एक्टिव बताता है, राइट बार एक्टिव कब होगा, जब वो जीरो होगा तब, बार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, उल्टा। अभी हम ऐसा देखें कि प्रोसेसर जो है वो काम कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोसेसर क्या कर रहा है कि मेमोरी में से कुछ ना कुछ रीड कर रहा है, इंस्ट्रक्शन रीड कर रहा है, फिर उसे प्रोसेस कर रहा है, फिर वापस मेमोरी में राइट कर रहा है। तो रीड एंड राइट 90% ऑफ द टाइम प्रोसेसर इज जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। सो अगर हम रीड सिग्नल और राइट सिग्नल को वन रखे तो ऐसा होगा, वन मीन्स करंट चालू है, सो दैट मीन्स रीड सिग्नल एंड राइट सिग्नल को चालू करने, चालू 90% ऑफ द टाइम रीड सिग्नल एंड राइट सिग्नल विल बी ऑन। सो ऑन होगा मतलब करंट इज वेस्टेड, करंट कंटिन्यूअस यूज हो रहा है, ठीक है। सो इन लोगों ने ऐसा आइडिया लगाया कि इसको उल्टा रीड करो, कि अगर ऑफ होगा, अगर सिग्नल जीरो होगा दैट मीन्स रीड बार इज एक्टिव, एंड राइट बार भी अगर सिग्नल ऑफ होगा तो दैट मीन्स राइट बार इज एक्टिव। तो इससे क्या होगा कि जो 10% ऑफ टाइम है तभी उसे एक्टिव इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, उससे क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेसर खाएगा उतना ज़्यादा हीट भी मारेगा ना। तो इन लोगों ने क्या किया, जो पिंस सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% एंड मोस्ट ऑफ 95% ऑफ द टाइम जो पिंस कंटिन्यूसली यूज होते हैं, उन पिंस को इन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ताकि क्या है, दो फायदे हैं कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी कम खाएगा, दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिसिटी कम खा रहा है जिसकी वजह से आपका प्रोसेसर भी हीट कम होगा। सो दैट्स इट ऑफ द पार्ट वन, थैंक यू।